हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदल दिया, अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेहरा बदलने से पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा या फिर रास्ते में अभी कई और कांटे बिछे हैं। चुनाव नजदीक है और पूर्व मंत्री अनिल विज एक बार फिर सुर्खियों में। दरअसल 10 अगस्त को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति बनाई। इस समिति में नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर समेत 20 नेताओं को जगह दी गई, जबकि अनिल विज, रणजीत चौटाला, नवीन जिंदल और किरण चौधरी जैसे नाम लिस्ट से कटे थे। किरण चौधरी और नवीन जिंदल हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अनिल विज पार्टी के पुराने और बड़े नेता हैं। ऐसे में उनको समिति में शामिल न करने पर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई। मामला उछला तो अनिल विज दिल्ली पहुंच गए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और कुछ ही घंटे में बीजेपी ने चुनाव समिति की एक नई लिस्ट जारी कर दी जिसमें 20 की जगह 21 नाम थे। ये 21वां नाम अनिल विज का था। ये पार्टी का विषय है, पार्टी किसी को रख ले किसी को निकाल दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पार्टी के अनन्य भगत हैं, हमें जो दायित्व देते हैं हम वो करते हैं। अनिल विज वो नेता है जो नाराज होते हैं तो इसका इशारा भी फौरन कर देते हैं। आज भी अनिल विज ने एक्स हैंडल पर नाम के आगे पूर्व गृह मंत्री लिखा। हरियाणा में इसी साल मार्च के महीने में जब बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदला था और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया था, अनिल विज तब भी नाराज थे। नाराजगी इस कदर बढ़ी थी कि उन्होंने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। अब अनिल विज भले ही चुनाव समिति के सदस्य बन गए हों, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद क्या होगा? अगर नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो क्या अनिल विज सिर्फ विधायक की हैसियत से ही पार्टी में रहेंगे?